की जो नेचुरल साउंड है, फिर चाहे वो नदी की आवाज हो या फिर वो तमाम चीजें हो, वो आपके मेंटल हेल्थ को इनहेंस करेंगे। लेकिन वही जब हम वर्चुअल साउंड पर आते हैं तो दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, ये एक बार दर्शकों को समझाइए, वरना कई बार वो प्रकृति का आनंद फोन पर लेने लगते हैं। नहीं देखिए, पर जो चीज नेचुरल है वो तो नेचुरल होगा ना। आप ऐसा नहीं है कि किसी प्रकृति का आनंद एक अच्छे से स्क्रीन पे आप देख रहे हैं और उसकी आप फीलिंग करेंगे तो फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है। जब आपको किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, ऐसे पीसफुल जगह पे जाते हैं, तो नेचुरल है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है, एक पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन के साथ एयर पोल्यूशन है, ये सब एक आपको इफेक्ट करता है आपके बॉडी के ऊपर। तो नेचुरल चीज़ को आप कभी भी आर्टिफिशियल चीज़ से कंपेयर करना चाहेंगे वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो है आप देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, जब भी आप ऐसे कोई प्लेस पे जाते हैं हिल स्टेशन पे, आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप जब ऑडियो विजन देखते हैं तो सिर्फ नेचर को देखना ही नहीं होता है, उस नेचर का जो साउंड होता है वो साउंड की वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी को वो साउंड बहुत लाउड सुनना पसंद है, किसी को वो लाउड बहुत साउंड बहुत कम सुनना अच्छा लगता है। ये सब आपके लिए बेहतर नहीं होता है आपके लाइफ के लिए, और इससे जितने भी आप देखेंगे कि जो डिसबैलेंस हो गया या मेंटल स्ट्रेस हो गया, ये सब उन सब चीज़ों पे इफेक्ट पड़ रहा है उन सब चीज़ों से।